सर्दियों में सुबह सुबह अगर नाश्ते में गर्मा गर्म पराठे मिल जाएं तो बस भाई कहने ही क्या, और अगर वो पराठे हो स्टफ्ड यानी कि भरवा तो बस सोने पे सुहागा। अब सर्दियों की बात की है तो किसी सर्दियों की वेजिटेबल के साथ बना लेते हैं ना आज कोई भरवा पराठे, यानी कि हरी हरी मटर के पराठे। सर्दियों में आती है मीठी मीठी सी मटर और उसके पराठे लाजवाब। तो कैसे बनते हैं मेरे घर में ये हरी मटर के पराठे, चलिए आज इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो जैसे मैंने कहा आपसे कि आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ ताजी ताजी हरी मटर के पराठे, भरवा पराठे यानी कि स्टफ्ड पराठे, और वो भी हमारे यूपी स्टाइल के। यूपी में, बिहार में, यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल में ये स्टफ्ड ग्रीन पीस पराठा, मटर पराठा बहुत फेमस है। बंगाल में इसे कहते हैं मटर शूटी पराठा। तो बस वही मटर भरे हुए पराठे आज बना रहे हैं, और पहले इसके लिए आटा गूंद के रख लेते हैं। तो 2 कप आटे में थोड़ा सा लेते हैं पानी और ऐड करते हैं इसमें 1/4 चम्मच नमक, और इसका आटा गूंद लेते हैं एग्जैक्टली वैसे जैसे मैं और आप घर में अक्सर गूंदते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक डो नीट कर लेंगे। अब बस ध्यान इस बात का रखना है कि आज हमको अपना डो थोड़ा सा ढीला रखना है, टाइट डो नहीं बनाएंगे, नहीं तो जानते क्या होगा, जब आप इसमें स्टफिंग भरेंगे आपके पराठे फटने लगेंगे। एंड वंस यू हैव अ नाइस स्मूथ डो रेडी विद यू, इसमें 1 टेबलस्पून हम तेल ऐड कर देंगे, और तेल ऐड करके इसे फिर से एक बार नीट कर लेंगे, और इसे फिर से नीट कर लूंगी जब तक कि ये सारा का सारा तेल इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाता। अब इस डो को रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि हमारा आटा फूल जाए। और जब तक मेरा आटा रेस्ट होता है तब तक मटर की स्टफिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। और इस पैन में मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल। ऑयल जब हो जाएगा गरम, ऐड करेंगे इसमें जीरा। जब जीरा भी थोड़ा सा तड़क जाएगा तब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई लहसुन। ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हींग भी। तो हींग, जीरा और लहसुन, इन तीनों से हम छौंकेंगे अपने मटर को। इन्हें स्टर कर लीजिए और लहसुन को हल्का सा गोल्डन हो जाने देते हैं। मैं ऐड करूँगी इसमें ये थोड़ी कुटी हुई धनिया के बीज। देखिए वो वेरी नाइस बाइट, एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर देते हैं, हल्का सा क्रंच भी देते हैं। और तुरंत इसके बाद ऐड करूंगी मैं अपनी हरी मटर। मटर को थोड़ा सा हम पका लेंगे इन सारे फ्लेवर्स के साथ, तब तक 2 हरी मिर्च को फाइन चॉप कर लिया जाए। तो अब 2 ग्रीन चिलीज को तब तक मैं चॉप कर लेती हूँ। तो भाई हरी मटर, हरी मिर्च, और क्या क्या हरा जाएगा इसमें, हरी धनिया भी, और क्या। तो मटर को आप स्टर कर लीजिए, इसे पक जाने दीजिए, मटर को थोड़ा सा गल जाने देते हैं। और इसीलिए इसके साथ ऐड करते हैं हम इसमें नमक स्वाद के अनुसार। वैसे तो मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करने जा रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी लाल मिर्च भी, थोड़ा सा काले मिर्च का पाउडर भी। तो कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए हम इस मटर को पका लेंगे ताकि ये गल जाए। ताजी हरी मटर है ना, जल्दी गल जाती है, और इसमें हल्की सी वो मिठास भी होती है। अब ऐड करती हूँ इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई हरी धनिया। इसे मिक्स कीजिए। जब मटर गल जाएगी गैस को कर देंगे हम बंद, और इसे अच्छे से पहले हम ठंडा कर लेंगे। तो मटर हो चुकी है ठंडी, और अब इसे मैं पीस लूंगी अपने बजाज NX01 मिक्सर ग्राइंडर में। अब जितनी मटर की जरूरत मुझे अभी है ना, उतनी तो मैं अभी स्टफिंग इस्तेमाल कर लूंगी, और बाकी की जार में बंद करके स्टोर कर लूंगी रेफ्रिजरेटर में, ताकि जब मन चाहे गर्मा गर्म पराठे बना सकूं। माई बजाज NX01 इज सच अ हैंडी मिक्सर ग्राइंडर,
with blend and carry jars, store and grind jars and a simple lid too. बहुत काम का अप्लायंस है ये, एकदम हैसल फ्री। अच्छा, मटर को ना बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है हमने, मटर को हम रखेंगे थोड़ा सा दरदरा यानी कि कोर्स, इसीलिए मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया है। अब इस क्रश्ड मटर में मैं ऐड कर लूंगी बारीक कटी हुई हरी धनिया भी, इसे भी मिक्स कर दीजिए। आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब हमने गार्लिक ऐड किया था ना उसी के साथ। तो लीजिए स्टफिंग रेडी, आटा हमने गूंदी लिया है, अब पराठे बना लिए जाएं। तो पहले तो एक तवा ले लिया जाए और उसके बाद जो आटा हमने गूंद करके रखा हुआ था उस आटे को मैं एक मिनट के लिए फिर से नीड कर लूंगी ताकि वो थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए। अपने सरफेस को थोड़ा डस्ट कर लेते हैं, आटे को यहाँ निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा सा नीड कर लेते हैं। तो देखिए दोबारा नीड कर लेने से आटा और नरम हो गया। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स ब्रेक कर लेते हैं। तो इसका एक हमने बॉल ले लिया है अबाउट द साइज ऑफ अ टेनिस बॉल। अब क्या करते हैं, पहले इसे सूखे आटे में हम लपेट लेते हैं और फ्लैटन आउट कर देते हैं। इसे अब अपने हाथ में रख लेते हैं लाइक अ कप और इसके बीच में अराउंड 2 tablespoons ऑफ स्टफिंग में फिल कर देती हूँ। इसे चारों तरफ से उठाइए, प्लीट करते जाइए और बंद कर दीजिए लाइक दिस। अब इसे घुमा देते हैं ताकि ये फटे नहीं, प्रेस कर देते हैं, एक बार फिर से रोल कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे हम आटा डस्ट करते हैं और इसके ऊपर भी। और अब ध्यान से देखिए साइड्स को पहले मैं अपनी फिंगर और थंब से ऐसे प्रेस करती जाऊंगी। ऐसा करने से जानते हैं क्या होगा, जब हम इस पराठे को बेलेंगे ना तो इसकी स्टफिंग को फैलने के लिए मिलेगी जगह और ये पराठा फटेगा नहीं। और अब हल्के हाथ से हम इसे बेल लेंगे। हल्के हाथ से इसलिए बेलेंगे ताकि इसकी स्टफिंग जो है वो फटे नहीं। और इसे एक मीडियम हॉट तवे पे हम सेक लेंगे और फिर घी लगा के दोबारा सेक लेंगे। एक्स्ट्रा जितना भी आटा हो उसे आप झाड़ दीजिए, ऐड कीजिए इसे अपने तवे पे और जब तक ये सेकता है एक और बेल लेते हैं। तो जब ये अंडर साइड से थोड़ा सा ऐसे ब्राउन होने लग जाएगा ना तब हम इसे फ्लिप कर देंगे। और अब ऐड करते हैं इस पे हम ऑयल, घी, जो भी आप चाहें उससे आप अपने पराठों को सेक लीजिए। और अब धीमी धीमी आंच पे दबा दबा के बढ़िया से अपने पराठों को करारा कर लीजिए। जब पराठे अच्छे से हो जाएंगे करारे इन्हें निकाल के रख लेंगे हम और ढेर सारे पराठे और बना लेंगे। तेज आंच पे अच्छा जानते हैं कभी पराठे नहीं बनाने चाहिए, जानते हैं क्यों, तब वो करारे नहीं होते हैं, ऊपर से तो उसमें वो ब्लैक स्पॉट्स आ जाएंगे, आपको लगेगा कि अच्छे से सिक गए, लेकिन वो जो करारा बन होता ना पराठों का वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप इसे धीमी आँच पे नहीं सेकेंगे। पराठा नंबर 1 डन। और अब आती है बारी पराठे नंबर 2 की। ऐसे ही और पराठे बना लेते हैं। तो लीजिए भाई, हो गए गर्मा गर्म खस्ता हरी मटर के पराठे रेडी खास विंटर्स के लिए। अब चाहे तो हरी चटनी के साथ, चाहे तो दही के साथ, मक्खन के साथ या अचार के साथ, जैसा मन चाहे वैसा इसे एंजॉय कीजिए। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया।
अरे भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के तो कोई पैसे नहीं लगते ना। और हाँ, जानते हैं ना कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की ये मटर की रेसिपी आपको कैसी लगी, हरी मटर के भरवा भरवा पराठे जो अब मैं एंजॉय करने जा रही हूँ।